बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी से किनारा किया था, तभी से माना जाता था कि नीतीश पीएम पद के लिए खुद को उम्मीदवार मानते हैं। 2015 में उन्होंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाई, तो इसके बाद से ही वो राष्ट्रीय महागठबंधन की कोशिशों में भी लग गए थे। इससे भी बीजेपी नेताओं की उन बातों को ही बल मिला कि नीतीश के मन में पीएम बनने का सपना है। लेकिन अब अचानक ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। खास बात यह है कि नीतीश का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आगामी राष्ट्रपति चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से बीजेपी के सामने मजबूत महागठबंधन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। पटना में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वो 2019 का चेहरा होंगे, तो उन्होंने ऐसी किसी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद का उम्मीदवार नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो बिहार की सेवा कर रहे हैं, हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, हम जानते हैं कि हमारी पार्टी जेडीयू छोटी सी पार्टी है, पीएम मोदी को जन समर्थन मिला है और उनमें क्षमता है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री हैं। नीतीश ने सिर्फ पीएम पद की दावेदारी की संभावनाओं को ही नहीं नकारा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को इसके काबिल नहीं मानते। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो लोग उनमें ये क्षमता देखते हैं उनका वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन आगे कौन चेहरा बनेगा कोई नहीं कह सकता। नीतीश के इस तरह के बयान से एकजुट होने की कोशिशें कर रहे विपक्ष के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। नीतीश ऐसे नेता हो सकते थे जिन पर सहमति बन सकती थी। राजनीतिक विश्लेषक भी नीतीश कुमार को पीएम पद के योग्य उम्मीदवार मानते हैं। ऐसे में नीतीश का ये बयान कई अटकलें पैदा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।